तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आपकी ब्रेक से पहले। अच्छा, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों यस सर आ रही को? है। जितने भी अभी तक हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस किए हैं, इनको आप लोग रिवाइज करें अच्छे तरीके से, इनको परफॉर्म करके देखें। एग्जांपल्स जितनी भी आपकी लैब के अंदर गिवन है, उन तमाम को आप परफॉर्म करके देखें। ब्रेक से पहले लास्ट हमने जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की थी वो थी रीड और राइट फ्लूड की। रीड और राइट फ्लोट, ये हमने डिस्कस किया कि जब हम रीड फ्लोट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास, हमने क्या कहना होगा भाई, कॉल रीड फ्लोट, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो जाकर हमारे पास स्टैक के जीरोथ इंडेक्स के ऊपर सेव हो जाएगी वैल्यू। और जब भी राइट फ्लोट करेंगे तो कौन सी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी, जो भी स्टैक के जीरो इंडेक्स पर मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने किस तरह परफॉर्म किया था भाई, ये हमने परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया था भाई, हमने यहाँ अपने मेन प्रोसीजर में स्ट्रक्चर परफॉर्म किया था कॉल रीड फ्लोट, और फिर कॉल रीड फ्लोट से क्या करेगा, यूजर से इनपुट ले लेगा, फिर देखते हैं कि भाई हमारे स्टैक के अंदर आ गई है वैल्यू या नहीं। ठीक है भाई, एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कॉल रीड फ्लोट और कॉल शो एफ पी यू। ठीक है, दो वैल्यू के बाद तो पहले यहाँ तक इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि हमसे वैल्यूज ले रहा है। फिर मैंने दे दी 5। एक वैल्यू आ गई, अब दूसरी 6.5। अब ये इसने बता दिया कि भाई ये एक वैल्यू आ गई रीड फ्लोट से, दूसरी वैल्यू आ गई। अब अगर हमें राइट फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास स्टैक जीरो की वैल्यू हमारे पास आउटपुट में आएगी। सही है, तो हम यहाँ पर लाइन राइट फ्लोट, ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। लास्ट जब हमने किया इसने हमें स्टैक जीरो की वैल्यू को पॉप करवा दिया, यानी कि इसको उठा के पॉप भी नहीं किया, इसको सिर्फ उठा कर राइट स्क्रीन पर आउटपुट शो करवा दिया, पॉप नहीं किया इसको, ये वही रहेगी, ये सिर्फ राइट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आपने स्टैक जीरो की तमाम मैनिपुलेशन जितनी भी होगी वो तमाम, यानी कि पुश करना पॉप करना, वो तमाम स्टैक जीरो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि स्टैक का जो सबसे ऊपर सबसे टॉप इंडेक्स है उसको आप ST0 कहते हैं। ठीक है, तो स्टैक जीरो के ऊपर ही तमाम मैनिपुलेशन होगी, पुश पॉप तमाम इंस्ट्रक्शन, राइट स्ट्रिंग रीड स्ट्रिंग, यानी ये एकुमुलेटर वाला काम कर रहा है बेसिकली, EAX वाला काम करता है। ठीक है, यानी इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जितने भी परफॉर्म होंगे सारे के सारे स्टैक जीरो के ऊपर ही परफॉर्म होते हैं, कि ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम किसके ऊपर, यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी थी कि अब हमने पुश पॉप करना भी देख लिया है, रीड और राइट स्ट्रिंग करना भी देख लिया है, शो एफ पी यू स्टैक भी देख लिया है। अब अगर हमें कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कराने हैं दो ऑपरेंट्स के दरमियान जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो उसके अंदर हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, कुछ बेसिक फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। इसमें पहला है FCHS। FCHS क्या है, चेंज साइन, यानी कि जैसे हमने देखा था कि हमारे पास निगेट का एक इंस्ट्रक्शन था जो कि क्या कर रहा था, हमारा साइन चेंज कर रहा था, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, तो वो ये तमाम इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर परफॉर्म होंगे, स्टैक जीरो पर। अगर मैं FCHS कहूँगा तो ये क्या करेगा कि स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा, अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देगा। मैं इसको यहाँ पर आपको फॉर्म करके भी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ FCHS। ठीक है भाई,
चेंजेस तो कर दिए, और उसके बाद हम कहेंगे कॉल शो एफ पी यू स्टैक। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि ये यूजर इनपुट किया मैंने, दे दिया 5.5, इसने दिखाया भाई ये आ गया 5.5। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर एफ सी एच एस अप्लाई किया तो स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है उसके ऊपर क्या हो गया, ये -5.5। ठीक है, यानी इसका पहले क्या प्लस अब हो गया माइनस। तो ये एक इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया गया। ठीक है, अगर तो मैंने यहाँ पर सपोज वैल्यू ले ली होती क्या माइनस में वैल्यू ली होती -4.5, 4.3, तो अब ये क्या करेगा मुझे जरा ये बताओ। अब एफ सी एच एस किस तरह काम करेगा, मेरे पास जो आखिरी स्टैक आएगा उसमें स्टैक जीरो में -4.3 ही होगा, इसको प्लस कर देगा बिल्कुल, क्योंकि माइनस माइनस आप लोगों को पता है प्लस होता है। पहले दिखा दिया स्टैक में -4.3 आ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपने उसको चेंज साइन किया एफ सी एच एस तो उसने इसका साइन चेंज कर दिया बोल। तो ये एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है जो कि आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एफ एड। एफ एड क्या कर रहा है भाई कि आपकी दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को ऐड कर रहा है, किस तरह कि डेस्टिनी ऐड सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्या है हमारे पास जी, जब हम सोर्स और डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो अब अगर मेरे पास यहाँ भाई मैं सिंपल बात कर रहा हूँ यहाँ पर बात हो रही है फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ कह रहा हूँ मूव ई ए एक्स कॉमा ई बी एक्स, तो इसमें कौन सा सोर्स है कौन सा डेस्टिनेशन है जरा ये बताएं। आप बताएं जरा इसका आंसर, सही कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारी स्टैक की बात नहीं हो रही, सिंपल ये इंटीजर्स की बात हो रही है भाई, आप इंटीजर की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ईएक्स रजिस्टर ईबीएक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर मैं मूव का एक इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, मूव क्या मतलब कि ईबीएक्स का सपोज वन है, ईएक्स का कुछ भी नहीं, ये वैल्यू जाकर यहाँ पर सेव हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, तो जब मूव हो रही है तो इसमें सोर्स किसको कहते हैं और डेस्टिनेशन किसको कहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी को भी माइक जी सर, क्या क्या आंसर दिया आपने हमें, आंसर मिला नहीं। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, और सोर्स ये है। जब भी आप मूव करेंगे या एड करेंगे, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये डेस्टिनेशन सोर्स जाके डेस्टिनेशन में मूव होगी या सोर्स जाके डेस्टिनेशन में ऐड होगी, और सेव कहाँ होगी डेस्टिनेशन में, सोर्स जाके डेस्टिनेशन में सब्ट्रैक्ट होगी और सेव कहाँ होगा आंसर डेस्टिनेशन। इसी तरह जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक, तो अब हमने क्या कहा कि हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स तो यूज़ नहीं हो रहा है, यानी अगर यहाँ पर सपोज होता वैल्यू वन, ठीक है, अगर ये इस तरह है, ठीक है, तो ये हो गई सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। ये क्वेश्चन सारे फिर आगे आप लोगों से पूछे जाएंगे, याद रखें कि ये हो गई, कोई भी क्यूरी हो तो उसी वक्त आप लोग पूछें, कोई चीज़ समझना है कोई कॉन्सेप्ट समझना है, ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। जब ये डेस्टिनेशन है हमने कह दिया रजिस्टर्स ये वाले तो यूज़ नहीं हो रहे, तो इसकी जगह क्या यूज़ हो रहा है फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक, यानी कि स्टैक के इंडेक्सेस पे वैल्यूज स्टोर होगी,
तो यानी यहाँ से ये तो हो गया मूव, ठीक है, अब बचा वैल्यू वन। और हमने यहाँ कह दिया कि भाई जैसे मूव था या ऐड था, तो ऐड की जगह क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है तो इसके अंदर सब में ऐड के अंदर भी एफ लग गया है, सबट्रैक्ट में भी एफ, यानी कि एफ ऐड, एफ सब, एफ सबर, एफ मल, ठीक है, यानी कि तमाम इंस्ट्रक्शन के अंदर शुरू में एफ लग गया। ये क्या बता रहा है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट ऐड है, फ्लोटिंग पॉइंट चेंज साइन, फ्लोटिंग पॉइंट सबट्रैक्ट, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई, फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एफ ऐड, एफ ऐड वैल्यू वन। तो ये तो हो गया सोर्स, ये पहले भी सोर्स ही था अगर यहाँ पर ये एक्स कॉमा ई वैल्यू, और डेस्टिनेशन यहाँ से ख़त्म हो गया। तो अब डेस्टिनेशन क्या हुआ हमारा, ये सोर्स जाकर डेस्टिनेशन में ऐड होती है ना, तो डेस्टिनेशन क्या हुआ, स्टैक का जीरो इंडेक्स होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, स्टैक का जीरो इंडेक्स, यानी ये स्टैक का जो जीरो एस टी जीरो है ये यहाँ पर जाके ऐड होगी, ठीक है, ये बात आपने बस याद रखनी कि ये सोर्स हो गई और डेस्टिनेशन स्टैक का जीरो इंडेक्स। अब यहाँ पर एफ ऐड हो या एफ सब्ट्रैक्शन हो या एफ मल्टीप्लाई हो या एफ डिवाइड हो, ये आपने याद रखना है कि ये जाकर डिवाइड होगा किससे, एफ स्टैक के जीरो से, और सेफ भी होगी कहाँ वैल्यू, डेस्टिनेशन में ही होती थी ना ई एक्स में, तो स्टैक के जीरो पे ही जाके वैल्यू, ठीक है। ये तमाम इंस्ट्रक्शन इसी तरह परफॉर्म होंगे, इसको भी हम करके भी देख लेते हैं कि कहीं मैं सही तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, यूज़र से ही इनपुट ले लेते हैं, एफ ऐड कराना है, या एक काम करते हैं यहाँ हम एक वैल्यू ले लेते हैं वैल्यू वन के नाम से, रियल फोर टाइप की, 2.2 इसमें स्टोर कर देते हैं, और यहाँ से यूज़र से भी इनपुट ले लेते हैं, और यहाँ हम कर देते हैं ऐड। ऐड क्या बता रहे हैं भाई, फ्लोटिंग पॉइंट ऐड, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है एफ ऐड और आगे वैल्यू वन, यानी कि किस चीज़ को ऐड करना है, वैल्यू वन में क्या है 2.2, ठीक है, और स्टैक के जीरो इंडेक्स पे जाकर ऐड कर देना है। स्टैक के जीरो इंडेक्स पर क्या होगा भाई, क्या होगा, 2.2 होगा, 2.2 कैसे होगा यार, 2.2 तो मैं इस वैल्यू वन के अंदर है, ठीक है, और वैल्यू जीरो इंडेक्स पे नहीं, जीरो इंडेक्स पे जो यूजर, बिल्कुल सही, जो यूजर इनपुट देगा, क्योंकि हमने यहाँ रीड फ्लोट किया है ना, तो जो भी यूजर इनपुट देगा वो आपके जीरो इंडेक्स पर होगा, और उसमें जाकर ये वैल्यू वन यानी कि 2.2 ऐड हो जाएगी और वहीं पर सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कॉल 2.2 जाकर ऐड हो। अच्छा जी यहाँ सपोज मैंने दे दिया 3.5, तो इसने बताया कि भाई आपके स्टैक में आगे स्टैक जीरो पे 3.5, लेकिन जब वो 2.2 जाकर ऐड हुई 3.5 में तो क्या बना, 5.7, पॉइंट्स भी तो ऐड होते हैं ना आप उसमें आगे जाके, 3+2 5, और ये 5.7 आ गई आपकी अब करंट स्टैक की वैल्यू। तो आप कोई भी वैल्यू उसमें ऐड करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैक में आपने ले लिया अभी 7.4, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू थी इसके अंदर 2.2 हर दफ़ा ऐड होता रहेगा, इस तरह ये अभी हमने ऐड परफॉर्म किया, इसी तरह सब्ट्रैक्ट होगा। बस सब्ट्रैक्ट में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एडिशन में हम 5+2 करें या 2+5 करें, एक ही बात है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही है क्या, क्या हम 5-2 करें या 2-5 करें तो एक ही बात है, नहीं ऐसा नहीं है। हम 5-2 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, लेकिन अगर हम 2-5 करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल सही, हाँ असद शेख सही बताया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एफ सी एच एस चेंज देख लिया, एफ एड देख लिया। अब सब्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एफ सब, एक एफ सब आर। अब एफ सब क्या है, सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है, जो यहाँ अगर ये इसको ले लें हम, अगर हम ऐड की जगह यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो सोर्स क्या है, वैल्यू वन। डेस्टिनेशन क्या है, स्टैक का जीरो इंडेक्स। तो सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, इसका क्या मतलब हुआ, सोर्स को डेस्टिनेशन में से माइनस किया जाएगा, यानी अगर यहाँ पर है 2.2 तो 2.2 को माइनस किया जाएगा जो भी वैल्यू है उसमें से। और अगर हम एफ सब आर करेंगे तो क्या होगा,
डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स, यानी कि ये 2.2 डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स, हाँ तो क्या होगा कि आपकी जो भी डेस्टिनेशन है उसमें से ये सोर्स माइनस हो रही होगी, ठीक है, वरना सोर्स में से यानी 2.2 में से अगर वहाँ 1.1 है तो 1.1 माइनस हो जाएगा 2.2 में से, ठीक है, ये बस डिफरेंस है दोनों में। अगर हम उसको परफॉर्म करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, सब हमने ले लिया वैल्यू 1, यहाँ हम ले लेते हैं सपोज 3.5, ठीक है, और इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ मैंने दे दिया 5.5, तो अब क्या हुआ 5.5 स्टैक में आया लेकिन उसमें से 3.5 माइनस हो गया, यानी कि 3.5 क्या था, सोर्स जाके माइनस हुआ किस में से, डेस्टिनेशन में से, सही है, क्योंकि हमने एफ सब का इस्तेमाल किया, एफ सब क्या कह रहा है, सोर्स माइनस होता है डेस्टिनेशन में से, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एफ सब आर कर दें तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, कह रहा है कि ये वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी और वो सेफ ही नहीं होगी स्टैक के अंदर, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। यही चीज है, एडिशन तो सिंपल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में एफ सब और एफ सब आर का आपने डिफरेंस याद रखना है कि सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई आपको पता है, आप 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करें या 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, एक ही बात है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी आप इसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जगह मल इस्तेमाल कर दें तो क्या होगा, 3.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी स्टैक जीरो में वैल्यू है उससे, सपोज स्टैक जीरो में मैं दे देता हूँ 10.5, ठीक है, या यहाँ दे देता हूँ जीरो में 3.5 है ना, तो मैं दे देता हूँ 2.3, तो ये 2.3 स्टैक में आया और मल्टीप्लाई हो गया 3.5 से, तो क्या बना 8.05, किस तरह, ये क्योंकि पॉइंट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं आगे जाके, ठीक है, वैसे तो 3 और 2 जो है वो 6 बनता है लेकिन आगे पॉइंट्स भी जब मल्टीप्लाई हुए तो ये वैल्यू हो गई 8.05, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड, अब ये दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, इनके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है, अब डिवाइड में भी 5 / 2 और 2 / 5 में फर्क है, 5 / 2 में आपके पास आंसर क्या आएगा भाई, 2.5, लेकिन जब 2 / 5 करेंगे तो आपके पास 0 point something आंसर आएगा, सही है, 0.0, तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से f डिवाइड कर दें, ठीक है भाई, या फिर f डिवाइड और r, ये सिर्फ इन दोनों के अंदर फर्क है कि ये क्या करेगा, f डिवाइड डेस्टिनेशन बाय सोर्स को डिवाइड करेगा और f डिवाइड r क्या करेगा, फ्रॉम डेस्टिनेशन सोर्स को डेस्टिनेशन में से डिवाइड कर देगा, और यहाँ पर डेस्टिनेशन को सोर्स में से डिवाइड कर रहा है। बस ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, दो आप लोग वैल्यूज लें और तमाम के ऊपर परफॉर्म करके देख लें कि क्या क्या आपके आउटपुट्स आ रहे हैं, तो आपको उसकी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं फ्लोटिंग पॉइंट के, ठीक है, तो ये आप लोग करके देख लें। और इसके अलावा अच्छा एक और इंस्ट्रक्शन है, वो है आपके पास फिनिट। फिनिट क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है आपका जितने भी स्टैक है, स्टैक मैंने क्या बताया आपका 7 इंडेक्स तक होता है, यानी 0 से लेकर 7 तक, यानी 8 उसमें आपके पास रजिस्टर होते हैं, स्टैक 0, स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 6, 7 तक, तो उन तमाम स्टैक की वैल्यूज में जंक वैल्यूज ना आए, गार्बेज वैल्यूज ना आए, क्योंकि आप अगर इस तरह करें, सपोज मैं इसको प्रोग्राम को मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सर, जी सर ये एक मिनट, ये जो आपने डेटा में जो वैल्यू लिखी है इसकी डेटा टाइप, ये डेटा टाइप ही है, दूसरी डेटा टाइप है, ये क्या है, ये रियल फोर के नाम से, रियल फोर, हाँ। तो ये कौन पूछ रहा है क्वेश्चन सर, मैं अवैस,
वैसे आपने लैब अभी अभी ज्वाइन किया? जिससे सेकंड सेशन में ज्वाइन किया और पहला वाला रह गया मेरा, आपको जो है ना पहला वाला सेशन दोबारा से, क्योंकि आपने पूरी कहानी खत्म हो गई और आप जुलेखा का पूछ रहे हैं, तो आपको जो है ना जो वीडियो अपलोड होगी हाँ यूट्यूब पर, तो वो क्योंकि ये पूरी कहानी दोहराना तो ठीक है सर, कोई बात सर मैं देख लेता हूँ। ओके ठीक है, ये अब आप देख लीजिएगा जरा यूट्यूब की वीडियो, और जिन स्टूडेंट्स को भी अगर कोई और भी लेट हुए हैं तो वो भी देख लें, ये वीडियो आप लोगों के पास यूट्यूब पे जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो अपलोड हो जाती है, तो वो वीडियोस को लाजमी देख लिया करें, और जिनको समझ आ गए हैं टॉपिक्स वो भी कम से कम लास्ट पार्ट जो भी वीडियो का होता है, जैसे लैब फोर का पार्ट नंबर फोर हुआ या पार्ट नंबर थ्री अगर लास्ट है, तो वो हर लैब का आखिरी पार्ट लाजमी देख लिया करें, ताकि आपको टास्क का पता लग जाए कि टास्क के अंदर सर ने क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी अच्छी बात होगी, और ये रियल फोर की जहाँ तक बात है तो ये आप देख लीजिएगा वीडियो से, बाकी क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे हम, हाँ फिनिट का जो इंस्ट्रक्शन है, ये फिनिट बेसिकली क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट इनिशियलाइज। ठीक है, फिनिट बेसिकली क्या करता है, आपके पूरे स्टैक को जो जीरो से लेके सेवन इंडेक्स तक है, अगर उसमें गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं उसको अगर आप चाह रहे हैं इनिशियलाइज कर दें जीरो से, यानी आपने यूज़र से वैल्यूज लेनी है ना, अब यूज़र से जब वैल्यूज आपने लेनी है तो वो गार्बेज वैल्यूज के साथ भी कोई एडिशन, आप स्टार्टिंग में ही कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म ना कर दें, ठीक है, तो गार्बेज वैल्यूज के साथ जंक डेटा के साथ एडिशन या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म ना, उसके लिए आप हमेशा क्या करें, ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लेंगे तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप फिनिट का अगर आप, मैं सिर्फ यहाँ पर कह देता हूँ कॉल शो एफ पी यू स्टैक, ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अभी तो स्टैक खाली होगा, लेकिन अगर हम रजिस्टर्स के उसमें बेसिस पे देख रहे होते हैं, यहाँ इसमें विजुअल स्टूडियो 13 में नहीं है, तो आपको पूरा स्टैक जीरो से सेवन इंडेक्स तक दिखता जिसके अंदर तमाम में गार्बेज वैल्यूज होती, यहाँ पर वो खैर आउटपुट स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा, तो उन तमाम को जीरो इनिशियलाइज करने के लिए आप ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं फिनिट, यानी कि इनिशियलाइज, यहाँ क्या लिखा है, इनिशियलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर स्टैक विद जीरो, ये तमाम रजिस्टर्स को जीरो कर देता है, फिर आप उसके अंदर कोई भी वैल्यूज के मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, एक दफ़ा और रिविजन कर लेते हैं इसका जो हमने डिस्कशन किया आज की लैब के अंदर, फर्स्ट क्या था भाई, ये वैसा आप भी देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, एफ पी यू रजिस्टर स्टैक का हमने डिस्कशन किया, यहाँ पर हम जब भी फ्लोटिंग पॉइंट की बात होगी तो हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है, यानी कि ई एक्स ई बी एक्स ई सी एक्स ई डी एक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक एफ पी यू स्टैक जो है हमारे पास ये, इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक के अंदर जो भी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही होगी वो सिर्फ स्टैक के ही जीरो इंडेक्स के ऊपर जाके हो रही होगी, जो EAX रजिस्टर होता है यानी कि एक्यूमुलेटर, उसका काम ये स्टैक जीरो दे रहा होगा, डेस्टिनेशन का काम स्टैक जीरो दे रहा होगा, जो भी आउटपुट होगा एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन जो भी मैनिपुलेशन वो स्टैक जीरो के थ्रू होगी, स्टैक है तो स्टैक के अंदर जाहिर है आपने जो वैल्यूज देनी है, यानी कि जो वैल्यू आप पुश कराएंगे या पॉप कराएंगे वो जिस रजिस्टर में रख के आप पुश करेंगे या जिस वेरिएबल में रख के पुश करेंगे उसकी डाटा टाइप या तो रियल फोर या रियल एट या रियल टेन होनी चाहिए। रियल फोर 32 बिट रजिस्टर है, रियल एट क्योंकि 8 × 8 = 64, रियल टेन 10 × 8 = 80 बिट रजिस्टर, ये तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है। एफ एल डी क्या करता है भाई, लोड करता है यानी कि पुश वाला काम करता है, और पॉप कौन सा करता है भाई, इंस्ट्रक्शन एफ एस टी पी फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक पॉप, ये डेटा टाइप्स लिखी हुई हैं आपके सामने सारी, ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है भाई, चेंज साइन के एफ सी एच एस एफ एड एफ सब आर, ये भी हमने तमाम डिस्कस किए। यूज़र से इनपुट लेना है तो रीड फ्लोट, यूज़र को आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट देना है तो राइट फ्लोट, ये याद रखना है कि ई एक्स की जगह यहाँ पर स्टैक जीरो से वैल्यू रीड होगी और राइट भी स्टैक जीरो की ही होगी। ठीक है, पूरा स्टैक आपने शो करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो शो एफ पी यू स्टैक कॉल शो एफ पी यू स्टैक करना है आपने। एफ एस टी पी क्या करेगा भाई, पॉप करेगा स्टैक जीरो की वैल्यू को, फिनिट जो है वो आपकी इनिशियलाइज करता है जीरो से। ठीक है, इसके अलावा क्या है भाई, जाते हैं बाकी कुछ और चीज़ें हैं
वो हम जो है आपके फिनिट यूज करना है, वो तो ऐसे इश्यू नहीं है। आपकी एक एग्जांपल हम लोग रन करेंगे कल की लैब के अंदर, कल जो आप लोगों की लैब होगी ना, इसकी स्टार्टिंग में मैं जरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जो इसका टास्क मैं दे रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म खुद से करें, क्योंकि कल की जो आप लोगों की ऑन कैंपस क्लास होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा इस चीज़ को और दोबारा डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी रन करेंगे जिसके अंदर आपको ये तमाम इंस्ट्रक्शन सारे रिवीजन हो जाएगा उस एक एग्जांपल के अंदर, तमाम जितने भी आज की लैब में हमने डिस्कस किए, ठीक है। और आप लोगों का जो लैब टास्क है ये लैब मैनुअल अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। लैब टास्क आपका है एक ही लैब टास्क है ये इस लैब का, ठीक है, टास्क नंबर वन है। इसमें आपको क्या कहा गया है, टेक 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज फ्रॉम यूजर इन एन एरे विद रियल फोर टाइप एंड प्रिंट आउट सम ऑफ एरे। सही है, कर लेंगे आसानी से आप लोग। करना क्या है भाई, 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूजर से इनपुट लेनी है, सही है, उनको आपने एरे की जगह आप स्टैक का इस्तेमाल कर लें, ये एरे यहाँ पर लिखा है, आप स्टैक का इस्तेमाल कर लें और उन तमाम वैल्यूज का आपने सम परफॉर्म करके आउटपुट पर देना है 10 वैल्यूज का यूजिंग, और तमाम 10 वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। यूजर 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज देगा, दोबारा सुन लें, 10 फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट वैल्यूज देगा और उन तमाम पॉइंट वैल्यूज को जाहिर है आप स्टोर कहाँ करेंगे, एफ पी यू स्टैक के अंदर, एरे लिखा हुआ है यहाँ पर लेकिन एरे को आप समझ लें स्टैक, स्टैक के अंदर करेंगे और उस तमाम वैल्यूज को आपने ऐड करके आखिर में एक आउटपुट देना, ठीक है, ईजी है। और ये एक टास्क तो जाहिर है नहीं होता कभी भी लैब में, ये आपका वैसे अगर आप मैनुअल के अंदर देखेंगे तो ये एक लेंथी एक काफ़ी लंबा सा एक टास्क गिवन है। इससे आप लोगों को बचाने के लिए मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ एक टास्क दे रहा हूँ जो आपने आज सॉल्व करना है, और कल जब आप लोग लैब में आएंगे तब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा वो आपने परफॉर्म करना है। तो इन दोनों टास्क की बेसिस के ऊपर आपकी ये एफ पी यू स्टैक वाली लैब नंबर 9 की मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करके आए क्योंकि कल आपने लैब के अंदर ही ये परफॉर्म करना होगा एक टास्क, ठीक है, जो मैं दूंगा। ये बाकी लैब का टास्क है ये करके लैब जमा नहीं कराना? बिल्कुल आप जमा करवा दें, बिल्कुल जमा करवा दें, ये टास्क नंबर 1 जो है ना इसको आप सबमिट कर लें। इसका भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, कोई उसमें जल्दी नहीं है, आज भी कर सकते हैं कल भी कर सकते हैं, कल 11:59 से पहले पहले लेकिन इसको सबमिट कर दें। छोटा टास्क है, आप चाहें तो अभी भी इसको परफॉर्म कर लें, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं है तो अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई थी और बाकी फिर हम कल की लैब में मिलते हैं। कोशिश करें कि आप लोग ऑन टाइम सारे रीच हो और ठीक है। लैब को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, अपलोड कर देता हूँ, आप लोग लीव करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, अटेंडेंस आप लोग की मार्क हो चुकी है। सर पहले सेशन में सर मेरी वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, लेकिन मैंने सेशन पूरा लिया था, तो सर आपने उस वक्त अटेंडेंस मेरी मार्क करी या नहीं करी? अटेंडेंस इस टाइम हो रही थी उस वक्त थे क्लास में सर, मैं पूरे सेशन में था, तमाम सेशन में, बस अटेंडेंस का सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आपका नेम और आईडी जो है ना वो चैट के अंदर लिखो। ओके सर। सर लीव कर दें? नहीं, आप लोग लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है क्यूरी है तो आप रुक सकते हैं, वरना आप लीव कर दें।